किसी भी देश की ग्रोथ में बहुत सी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड और बैंकिंग जैसे और भी ढेर सारे सेक्टर्स का रोल है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की इकोनॉमी में बीते कई सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दबदबा है। अब जैसे आप इस लिंक्डइन पोस्ट को ही देखिए, इस पोस्ट में आगे लिखा है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के मुताबिक फिस्कल ईयर 2020 से 2021 में बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में क्लोदिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था 84% और क्लोदिंग इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की जीडीपी में 18% का योगदान दिया था। कपड़े की किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में लगे टैग को पढ़ने में आप पाएंगे कि ज्यादातर कपड़े मेड इन बांग्लादेश है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि OEC के टेक्सटाइल्स डेटा 2020 की माने तो टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में बांग्लादेश तीसरे और इंडिया पांचवें पायदान पे है। मतलब इंडिया में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़कर करियर बनाने का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसलिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पर। 2021 में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट साइज था $223 बिलियन जो कि 2030 तक $250 बिलियन तक पहुँच सकता है। तो क्या है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग? इसे समझे तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो टेक्सटाइल डिजाइन, डेवलपमेंट और इनकी मैन्युफैक्चरिंग से डील करता है। टेक्सटाइल इंजीनियर्स का काम होता है वाइड वैरायटी के फैब्रिक्स, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स जैसे क्लोदिंग, कार्पेट्स, टॉवल्स, रोप्स और भी ढेर सारे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का काम देखना। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग दरअसल मैकेनिकल, केमिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है जो इनोवेटिव फैब्रिक्स, अपैरल्स और दूसरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है। टेक्सटाइल में बने अलग अलग फाइबर्स, फैब्रिक्स और उनकी फिनिशिंग को चेक करना, मशीन डिजाइन करना और रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट डिलीवर करना भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आता है। वैसे टेक्सटाइल इंजीनियर के रोल और उसकी जिम्मेदारियों को समझा जाए और वो भी डिटेल में, तो आपको यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए नए मटेरियल्स को डेवलप करना और एग्जिस्टिंग मटेरियल्स को बेहतर बनाना। इसके लिए इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यार्न्स और फैब्रिक स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट लेवल को भी बढ़ाना होता है। टेक्सटाइल इंजीनियर्स का एक और जरूरी काम है प्रोडक्ट डिजाइन करना। जैसे क्लोदिंग, कार्पेट्स, अब होस्ट्री से लेकर के लगभग हर तरह के टेक्सटाइल का डिजाइन करना और उनकी एस्थेटिक्स, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को चेक करना। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का काम देखना भी टेक्सटाइल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करना। इसके लिए उन्हें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग और नीटिंग तक के प्रोसेस में शामिल रहना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोलर के तौर पर कपड़ों की स्ट्रेंथ, कलर फास्टनेस, श्रिंकेज और अपीयरेंस देखने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, जिसमें इको फ्रेंडली फाइबर्स डेवलप करना, डाइंग मेथड्स और रीसाइक्लिंग टेक्निक्स को मिनिमाइज करना भी शामिल होता है। इसके अलावा कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस का पालन करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स रिलेटेड सेफ्टी को इंश्योर करना, एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले असर को कम करना, पोल्यूशन कंट्रोल और इंडस्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाना भी टेक्सटाइल इंजीनियर का काम होता है। चलिए अब समझते हैं टेक्सटाइल इंजीनियर बना कैसे जाए। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए कैंडिडेट का साइंस स्ट्रीम से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लास 12th पास करना जरूरी होता है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ क्लास 12th पास करके आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, जिसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड दोनों शामिल है। तब जाकर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को चूज कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए स्टूडेंट के पास बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आप 4 साल की बैचलर्स डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पूरी कर लेते हैं तो इस इंडस्ट्री में काम करने का रास्ता खुल जाता है, या फिर आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर सकते हैं। वैसे JEE की तैयारी कैसी करनी है, इसे कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको क्विक सपोर्ट पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, प्लीज उसे जाकर एक्सप्लोर जरूर करें। सिलेबस की बात करें तो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग के बाद केमिस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, बेसिक्स ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ प्री स्पिनिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी ऑफ प्री वीविंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, टेक्नोलॉजी ऑफ वोवेन फैब्रिक मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजी ऑफ यार्न स्पिनिंग, निटिंग टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग प्रोसेस लेबोरेटरी, फाइबर साइंस लेबोरेटरी, टेक्सटाइल क्वालिटी अवैल्यूएशन, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे ढेर सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और वो भी प्रोजेक्ट्स के साथ। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो एक स्टूडेंट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनमेड फाइबर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल एंड कारपेट टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन टेक्सटाइल और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज कर सकता है। अब अगर आपका सवाल है कि ये सब कोर्सेज करना कहाँ से है, तो जवाब है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, जहाँ आप बीटेक इन अपैरल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में आप बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर में आप बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में बीटेक इन फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जालंधर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोयम्बटूर की पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की फैसिलिटी है। वैसे इंजीनियरिंग करने के साथ साथ अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सही स्किल सेट डेवलप कर पाए तो बहुत ही अच्छा, इससे जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। इसलिए टेक्निकल नॉलेज के अलावा क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अटेंशन टू डिटेल और इंडस्ट्री से जुड़ी कमर्शियल अवेयरनेस भी होनी जरूरी है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद एक कैंडिडेट को जिन प्रोफाइल्स पर आसानी से काम मिल सकता है वो है प्रोडक्शन इंजीनियर। इनका काम डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेक्सटाइल फैक्ट्री के प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करना, क्वालिटी वर्क का ध्यान रखना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स बनाना, कॉस्ट, लेबर आदि को मैनेज करना भी इन्हीं का काम होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंजीनियर का काम होता है फैब्रिक्स की क्वालिटी बनाए रखने के लिए प्लानिंग करना, फैब्रिक्स को डेवलप करना और मेंटेन करना, कपड़ों का कलर, साइज और डिजाइन चूज करने का काम भी इन्हें ही देखना होता है। वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंजीनियर का काम होता है, फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लागू हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें मॉनिटर करना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक और क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर सैंपल अवैल्यूएशन, सैंपल हैंडलिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एसेस करने जैसे कामों में शामिल रहता है। फैक्ट्री के कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को गाइड भी करना होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मैनेजमेंट ट्रेनी लगभग सभी तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, जैसे क्वालिटी एनालिसिस, प्रोडक्शन सपोर्ट, प्लानिंग और सीनियर्स को उनके काम में मदद करना वगैरह है। इसके अलावा आप प्रोफेसर या लेक्चरर भी बन सकते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शार्प माइंड देने में अपना योगदान देंगे। टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज डेवलप करना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देना, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स में मदद करना, रिव्यू करना और इंटर्नशिप जैसे काम में मदद करना भी प्रोफेसर या लेक्चरर का काम होता है। अब रही बात टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जॉब की, तो रेमंड ग्रुप राजस्थान, पेट्रो सिंथेटिक्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अरविंद मिल्स लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग, जेसीटी मिल्स, माफतलाल डेनिम, लक्ष्मी मिल्स, आरआईएल टेक्सटाइल्स, भीलवाड़ा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनीज में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे टेक्सटाइल इंजीनियर्स जिन जिन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड होते हैं वो हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे स्पिनिंग मिल्स, अपैरल फैक्ट्रीज, नेटवेयर यूनिट्स वगैरह है। यहाँ पर डिजाइन, प्रोडक्शन और क्वालिटी अश्योरेंस जैसे कामों में शामिल होना पड़ता है। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड इनोवेशन सेंटर्स जहाँ पर ज्यादातर टेक्सटाइल इंजीनियर्स को नए नए मटेरियल्स और प्रोसेस डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखना होता है। टेक्सटाइल मशीनरी और इक्विपमेंट कंपनीज में काम करने का मौका मिलने पर एक टेक्सटाइल इंजीनियर को डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग जैसे प्रोसेस हैंडल करने पड़ते हैं। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब्स में टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज की एनालिसिस और इवेल्युएशन देखनी होती है। टेक्निकल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस देखना होता है। साथ ही टेक्सटाइल इंजीनियर्स ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज से डील करते हैं। अब रही बात टेक्सटाइल इंजीनियर को मिलने वाली सैलरी की, तो इंडिया में सैलरी रेंज है सालाना 1 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए, वहीं एवरेज एनुअल सैलरी है लगभग 4.5 लाख रुपए। एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ने के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है,
जॉब सर्चिंग पोर्टल्स पर भी आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जॉब ओपनिंग्स दिख जाएंगी। अगर आप गूगल पर टेक्सटाइल इंजीनियर जॉब्स अब्रॉड सर्च करेंगे तो जॉब पोर्टल्स पर विदेशों में निकली ओपनिंग्स भी आपको दिख जाएंगी। 2022 में इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट $165 बिलियन आंकी गई थी। इसमें $125 बिलियन तो डोमेस्टिक मार्केट ही है और एक्सपोर्ट के तौर पर इंडिया $40 बिलियन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बाहर भेजता है। अंदाजा लगाया गया है कि इंडियन टेक्सटाइल मार्केट 10% CAGR रेट से बढ़ते हुए 2030 तक $350 बिलियन का हो जाएगा। तो अगर आप एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देखते हैं और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। वैसे कपड़ों की जरूरत हर इंसान को पड़ती है और जहां जरूरत है वहां डिमांड और जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही बनी रहती हैं। उम्मीद करते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पर आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और नॉलेज बांटने से बढ़ती है तो वीडियो को शेयर करना तो आपको भूलना ही नहीं है। ऐसे ढेर सारे एजुकेशनल, मोटिवेशनल और सपोर्टिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।